हेलो बच्चों मैं राकेश बत्रा आज हम चैप्टर टू पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं आम तौर पर इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर बच्चों को एक मिसकनसेप्ट रहता है कि पोली मीन्स मैनी नॉमियल्स मींस टर्म्स यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो उसे पोलिनियल कहते हैं अगर ये डेफिनेशन पोलिनोमियल की है तो फिर मल्टीनोमियल क्या है क्या फ़र्क होता है मल्टीनोमियल में और पॉलिनोमियल में क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं ये सब आज की क्लास में सीखेंगे और साथ साथ पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे स्टार्ट करते हैं तो पॉलिनोमियल तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है जैसे कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। यानी व्हाट इज़ कांस्टेंट? ए सिंबल, इट इज़ ए सिंबल वूज वैल्यू रिमेंस ऑलवेज सेम वट एवर द सिचुएशन बी जैसे मास ऑफ ए बॉडी किसी बॉडी का मास वो चाहे अर्थ पे ले चाहे मून पे ले चाहे मार्स पे ले कहीं भी ले ले मास सेम रहता है तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी मैथेमेटिक्स में कॉन्स्टेंट्स को हम इनिशियल लेटर्स ए बी सी से रिप्रजेंट करते हैं मैथेमेटिक्स में कॉन्स्टेंट्स क्या है जैसे फाइव एक कॉन्स्टेंट है सेवन एक कॉन्स्टेंट है नाइन एक कॉन्स्टेंट है पाई एक कॉन्स्टेंट है इसके बाद बच्चे वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल क्या है इट इज़ ए सिंपल वूज वैल्यू चेंजेस विद सिचुएशन यानी जिसकी वैल्यू सिचुएशन के साथ साथ चेंज हो जाए जैसे वेट ऑफ ए बॉडी वेट ऑफ ए बॉडी अर्थ पे वेट कुछ अलग है मून पे वेट कुछ अलग है डिफरेंट सिचुएशंस में वेट चेंज होता है तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। याद रखना बच्चे कॉन्स्टेंट्स को हम एल्जबरा के अंदर आमतौर पे इनिशियल लेटर्स ए बी सी डी इनसे रिप्रजेंट करते हैं और वेरिएबल्स को आमतौर पे बाद वाले नंबर्स U V W X Y Z बाद वाले अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता लगा कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती रहे जैसे X की वैल्यू एक इक्वेशन के अंदर कुछ और होती है दूसरे इक्वेशन के अंदर कुछ और होती है तो डिफरेंट सिचुएशंस में एक्स की वैल्यू बदलती रहती है तो एक्स को हम बोलेंगे एक वेरिएबल है अब एक्सप्रेशन पर आते हैं एक्सप्रेशन क्या है एक्सप्रेशन इज कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस अब ये टर्म क्या है किसी भी टर्म के बच्चे दो पार्ट होते हैं एक कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल मान लो मैंने लिखा सेवन एक्सक्र सेवन एक्सक्वायर ये एक टर्म है सेवन को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पार्ट और एक्स स्क्र हमारा वेरिएबल पार्ट है सेवन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र सेवन जो है वो कोफिशेंट ऑफ एक्सक्वेयर बोलते हैं अब कलेक्शन ऑफ टर्म्स एक्सप्रेशन क्या है कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म भी हो सकती है हम कुछ एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ फिफ्टी फोर एक्स इसके अंदर एक टर्म है एक टर्म है और वो टर्म कौन सी हमारी फिफ्टी फोर एक्स फिफ्टी फोर एक्स का कोफ़िशंट है मैं लिखता हूँ टू एक्स माइनस थ्री वाई दो टर्म्स हैं कौन कौन सी एक टू एक्स और एक माइनस थ्री वाई मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस फोर जेड तीन टर्म्स हैं एक एक्स एक वाई और एक माइनस फोर जेड अब कुछ डेफिनेशंस जैसे पहली डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ एल्डब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं सबसे पहले मोनोमियल मोनोमियल क्या है जिसके अंदर एक टर्म हो जैसे एक्स फाइव एक्सक्वा रूट थ्री एक्स रूट वाई एट्सेट्रा ये मोनोमियल है मैं लिखता हूँ सिर्फ फाइव ये मोनोमियल है सिर्फ सेवन ये एक मोनोमियल है सिर्फ एक्स ये एक मोनोमियल है रूट एक्स ये एक मोनोमियल है इसके बाद हम पढ़ते हैं बाइनोमियल क्या होता है बाइनोमियल क्या होता है बच्चे जिसके अंदर दो टर्म्स हो जैसे थ्री एक्स प्लस फाइव वाई एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट एक्स प्लस थ्री वाई दो टर्म्स हैं पहली टर्म इसमें थ्री एक्स है दूसरी टर्म फाइव वाई है x का कोफिशेंट थ्री वाई का कोफिशेंट फाइव ऐसे ही यहाँ पे दो टर्म्स हैं x और वन बाई एक्स यहाँ दो टर्म्स हैं एक रूट एक्स और एक थ्री वाई तो ये हो गया बाइनोमियल बाइनोमियल के बाद आता है ट्राइनोमियल क्या होता है ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स हो जैसे एक एक्स एग्जाम्पल एक ले लिया सेवन एक्स स्क्वायेर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट सेवन एक्स का कोफिशेंट फाइव और ये जो सेवन है ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर तीन टर्म्स हो फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस फाइव अब मल्टीनोमियल क्या है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मल्टीनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो ऐसे एक्सप्रेशन को हम मल्टीनोमियल बोलते हैं याद रख लें बाइनोमियल भी मल्टीनोमियल है ट्राइनोमियल भी मल्टीनोमियल है तीन से ज्यादा टर्म्स हैं तो भी वो मल्टीनोमियल है मोनोमियल इज नॉट ए मल्टीनोमियल यानी एक टर्म है तो वो मल्टीनोमियल नहीं है एक से ज्यादा टर्म्स है तो वो मल्टीनोमियल है अब आगे बढ़ते हैं कि पॉलीनोमियल क्या होता है जो हमारा चैप्टर है, है चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल तो पॉलीनोमियल क्या होता है हमारे यहाँ वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल है वेरिएबल जैसे एक्स एक वेरिएबल है वाई एक वेरिएबल है हमारे को जो एक्सप्रेशन दे रखा होगा वो टोटली totally एक्स की फॉर्म में होगा या वाई की फॉर्म में होगा सिर्फ एक वेरिएबल की फॉर्म में होगा तो ऐसा एक्सप्रेशन ये जो डेफिनेशन है ये एक्यूरेट डेफिनेशन है इसकी सिंपल वर्जन अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा तो कोई भी एक्सप्रेशन जो ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू ए एन अब यहाँ ये जो कॉफिशेंट्स हैं ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन ये जो कॉफिशेंट्स हैं ये दे मस्ट बी रियल जो कॉफिशेंट्स हैं दे मस्ट बी रियल और ये जो पावर्स है पावर्स जो पावर्स हैं ये पावर्स होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपको बच्चे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ पावर्स के ऊपर कोफिशेंट्स आपने अब तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स पढ़े हैं तो इसका मतलब जो कोफिशेंट्स हैं उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है रूट टू रियल नंबर है रूट थ्री रियल नंबर है पाई रियल नंबर है नेगेटिव वाले नंबर्स रियल नंबर्स हैं हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं अब तक दे ऑल आर रियल नंबर्स रियल नंबर्स के अलावा इमेजनरी नंबर्स भी होते हैं वो हम आगे चल करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमने अब तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सब रियल नंबर्स हैं तो आपको इन इनकोफिशेंट्स पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको फोकस करना है सिर्फ कहाँ पर पावर्स पे। ब्रीफ में पोलिनोमियल को हम यूँ कह सकते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो यानी वेरिएबल की पावर जीरो हो वन हो टू हो थ्री हो फोर हो फाइव हो ये सब पोलिनोमियल की डेफिनेशन ये सब पोलिनोमियल्स हैं अगर पावर नेगेटिव है अगर पावर फ्रैक्शन में है तो वो पोलिनोमियल नहीं है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या है तो पहला एग्जाम्पल है कि थ्री एक्स की पावर फाइव प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू तो क्या ये एक पोलिनोमियल है चेक करते हैं पोलिनोमियल है या नहीं है हमने फोकस कहाँ करना है स्त्री पे फोकस नहीं करना हमने फोकस कहाँ करना है पावर पे यहां एक्स की पावर फाइव है होल नंबर है एक्स की पावर टू है होल नंबर है यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स की पावर जीरो है तो होल नंबर है तो इसका मतलब यस इट इज ए पॉलिनोमियल तो पहले का आंसर क्या हो गया यस इट इज ए पॉलिनोमियल एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैंने लिखा P of x equal to x plus एक्स by x plus फाइव अब चेक करना है कि पोलिनोम है या नहीं है तो बच्चे कैसे चेक करेंगे ये जो x x है ये हो गया x की पावर minus 1. अब चूंकि यहां x की पावर नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज x की पावर नेगेटिव या x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब ये पोलिनोम है या नहीं है नो इट इज नॉट ए पोलिनोम बिकॉज पावर ऑफ एक्स इज नेगेटिव एक और एग्जाम्पल लेते हैं रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई सेवन एक्स प्लस रूट थ्री अब आप समझेंगे कि रूट आ गया बच्चे रूट वेरिएबल पर नहीं होना चाहिए कांस्टेंट जो कॉफिशियंट है इस पे रूट हो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉफिशेंट्स होने चाहिए रियल नंबर्स तो क्या ये पॉलिनोमियल है यस इट इज ए पॉलिनोमियल क्यों है यहाँ एक्स की पावर कितनी है टू यहाँ एक्स की पावर वन यहाँ एक्स नहीं है इसका मतलब एक्स की पावर जीरो चूंकि पावर्स नंबर्स हैं इसका मतलब ये एक पोलिनॉमियल है एक और एग्जाम्पल लेते हैं देखते हैं कि ये पोलिनियल है या नहीं है थ्री एक्स रूट एक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन यहां एक्स की पावर हाफ आ गई हाफ अगर टोटल में देखें तो वन प्लस हाफ थ्री बाई टू चूंकि एक्स की पावर हाफ यानी फ्रैक्शन में आ गई होल नंबर नहीं है इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है अब और दो एग्जांपल्स लेते अब यहां ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि एक्स आ गया डिनोमिनेटर में जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी इसकी नेगेटिव तो इसका मतलब ये होल नंबर पावर नेगेटिव हो जाएगी तो इसका मतलब ये पोलिनॉमियल नहीं है थर्ड आखिरी पार्ट पे देखते हैं क्योंकि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स आ गया रूट के अंदर एक्स आ गया तो इसका मतलब पावर पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो जाएंगी और पावर फ्रैक्शन में हो गई तो ये तो इसका मतलब ये पोलिनियल नहीं है अब हम पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है किसी पोलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उस पावर को उसकी डिग्री कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है थ्री एक्स की पावर फाइव प्लस सेवन एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स प्लस माइनस फाइव तो यहां x की सबसे बड़ी पावर हमको दिखाई दे रही है फाइव 5. यहाँ फाइव 5 है या थ्री है या वन है या एक्स की पावर जीरो है एक बार फिर आपने कोफ़िशंट्स पे फोकस नहीं करना आपने सिर्फ पावर्स पे फोकस करना है तो इसकी पावर हो गई फाइव तो इसकी डिग्री हो गई फाइव मैक्सिमम पावर चूँकि फाइव है तो डिग्री फाइव हो गई अब सेकंड पार्ट में एक्स की पावर ज़्यादा से ज़्यादा मुझको दिखाई दे रही है थ्री तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई थ्री अब मेन मोटिव पे चलते हैं कि मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है अभी अभी हमने दोनों डेफिनेशन सीखी कि मल्टीनोमियल क्या होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो और पोलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा टर्म्स चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो लेकिन जो पावर है वेरिएबल की जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए यानी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल होगा पोलिनोमियल में जो पावर्स हैं जो पोलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल है दैट मस्ट बी ए होल नंबर जबकि मल्टीनोमियल के लिए मल्टीनोमियल के लिए ऐसी कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो पहला फर्क क्या है कि पोलिनोमियल कि में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए मल्टीनोमियल में पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो सकती है दूसरा फर्क मल्टीनोमियल में दो या उससे ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए पोलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकती है कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं मैं कुछ एग्जांपल्स से बात को समझूंगा कि ये पोलिट अब हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि पोलिनोमियल और मल्टीनोमियल में क्या फ़र्क होता है तो यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखे हुए हैं हमें चेक करना है कि इनमें से कौन मल्टीनोमियल है और कौन पोलिनोमियल है चेक करते हैं पहला एग्ज़ाम्पल यहाँ देखो बच्चे तीन टर्म्स हैं तो ये मल्टीनोमियल तो हो ही गया अब x की पावर टू है या x की पावर वन है और यहाँ x की पावर ज़ीरो है तो इसका मतलब x की पावर चूंकि होल नंबर्स से तो ये पोलिनोमियल भी है और मल्टीनोमियल भी है अगला एग्जांपल लेते हैं चूंकि एक्स की पावर होल नंबर है तो पोलिनोमियल है लेकिन मल्टीनोमियल नहीं है क्यों नहीं है मल्टीनोमियल डेफिनेशन क्या है मल्टीनोमियल की कि दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होनी चाहिए या एक टर्म है तो इसका मतलब ये मल्टीनोमियल नहीं है पोलिनोमियल है थर्ड एग्जाम्पल में यहां दो टर्म्स हैं तो मल्टीनोमियल हो गया अब चूंकि यहाँ x की पावर फ्रैक्शन में आ गई हाफ आ गई होल नंबर नहीं है x की पावर तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है तो थर्ड एग्जाम्पल क्या हुआ पॉलिनोमियल नहीं है मल्टीनोमियल है फोर्थ एग्जाम्पल में चूंकि एक टर्म है तो मल्टीनोमियल नहीं है और चूंकि x की पावर हाफ है होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल भी नहीं है तो हमने क्या देखा कि हो सकता है कि एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी हो मल्टीनोमियल भी हो पॉलिनोमियल हो मल्टीनोमियल ना हो पॉलिनोमियल ना हो मल्टीनोमियल हो या हो सकता है वो ना तो पॉलिनोमियल हो ना मल्टीनोमियल हो वो एक एक्सप्रेशन है तो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा अगली क्लास के अंदर हम पोलिनोम सी पहली एक्सरसाइज एनसीआर से उसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच